है? जहाँ फोन कर रहा था। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। पड़ोसी बोल रहे, पड़ोसी। ऐसे बोल रहा है तो फिर फोन काहे को करो? तो जो पूछ रहे वो क्यों ना बात करो। ओ गांव में फोन कर रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो काहे के लिए फोन करो, सब ठीक तो है? नहीं मरगा राजन, तू बता हमने न जानने के लिए फोन करो हो गांव में क्या फोन करो हो? कहाँ कौन से गांव में? मखेना। गांव भी भूल गई वो। मखेना हाँ भूल गई, कोई बात ना, लेकिन हम याद दिलाना मखेना है करके हमारा गांव। बोलना फोन करो हो कहना। किसको करो? हाँ करो। क्यों करो? क्यों करो मतलब क्या बात है? क्यों ये लोग बालू वालू उतारने गए तो फोन तो आतो जातो ही रहे। अच्छा ठीक है, फिर इनकी बात नहीं है बाल वालू उतारने की, वो तो कर ही रहे। चलो खैर रिश्तेदारी वाली बात है तुम्हारी है? तो मतलब इसका क्या ताई पैसे दिलवा देगी तुम्हारे या वो शारदा पैसे दिलवा देगी? तो ये आशा के सामने दिया, आशा दिलवा देगी पैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा विचार कहाँ है? मेरा विचार ये, मैं पैसा न दूँ। क्यों मैं न दूँ पैसा? हमने कौन सा गुनाह कर दिया भाई तुम्हारे साथ में? तो मैं मने करी, इनसे पूछियो, इन्हें दो तुम पापा, इन्हें दो फोन। हाँ तो हमसे भी बोलो ना कुछ बात, हम भी करें, सुनना ही है ना। पैसा लेने को तरीका होता है। तरीका होता तो तुम्हारे कौन से लठ मार दिए, मेरी औरत ने या मेरी मेरे घर वाले किसी ने का कह दे, कुछ का गलत कह दे? दिलवाने की कोशिश कर रही हो या तुम हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? अब तू एक बात बता, जैसे जो राजन कह रहे हैं वही तू बात कर रही है, तो मतलब का ऐसा बात करने को? बेटी के ताई हमने अच्छा करो कि बुरा करो, तू कहीं भी सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। तू कल से तो पूछ कर देख तो मेरे ऐसे ऐसा हाल हो, इन्होंने हमारे संग में ऐसी भलाई करी है या बुराई करी है, यूँ बता, हमने का बुरा कर दियो? फोन दो मम्मी को। हाँ तो वो जगह मम्मी को फोन दो। बात कर रहे हैं ना? मैं बात सुन रही हूँ। तुम बात करो। एक पैसा देने को लेने को भी तरीका होगा। तुम पूरे गांव में पूरा सकोई मैं तुमने बेइज्जती कर गे रही और पैसा की मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। रुक जाओ, पैसा हम तुम्हारे लेते हैं तो हम जी पा रहे हैं। तुम हमारी चारों गांव में बेइज्जती कर दे रहे हो। तूने कही थी चुपचाप ले और चुपचाप दो, तो तूने मेरे पूरे गांव में बेइज्जती क्यों करे जा रही है? तो तुम जब तुम मैंने तुमसे बोली का देख मो कर्ज बारे परेशान कर रहे हैं, तो तुम हमसे कह दो हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो तुम किस लिए हमारे लिए फोन कर रहे हो गांव में? ये कोई भी मैं बोल रही हूँ। तू बोल रही है? हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ अच्छा, पैसा भी मैं ही दिवाऊंगी, यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में तुम बेइज्जती करते फिर रहे हो। जब पैसा दूंगा ना इन्हें पकड़ के लाऊंगा, इन्हें सब क्यों कहा पैसे ले, जब पैसे लूंगा ना सब बुलवा लूंगा। तो मुँह देखा, देखो बेटी ना जमाई ना क्या करो, ऐसे भूखे की तरह हमारा मुंह देख रहे हैं लोग। एक बात बता, तू ही अगर तू ही मो कर्जा दे दे दिया तो कर्ज बारे परेशान करेंगे तो तू क्या करेगी? मैं दम तुम अपने कोशिश करो ना छुड़वाने। तो मैं तो ऐसा कह रही हूँ तो तू सुन कहाँ रही है? सुनने नहीं है, ये कोई तरीका है तेरा आने को? ले लेंगे से तुम्हारे से पैसे मार के ना, अगर कहीं पूछना भी हो ना तो करवाने में भलाई है। और तुम्हें ये भी लगता है हम जिससे बेस कर रहे हैं वहाँ हमारी बेटी दही हुई है? अरे बेटी, अरे बेटी ना हमको कर्जा में फंसा कर बेटी कहाँ रह गई? वो आदमी कम दुखी कर रहा, परेशान कर रहा
वो तेरे आदमी है, अब हम कुछ ना लगा वो तेरे आदमी है। शादी क्या करी फिर? शादी रहा रीति से बात कर, देख शादी करी है तो या को मतलब ये ना है, कल मुझे पैसा चाहिए। पहले मेरी बात सुन ले, मैं चुप रही आज तो चुप मत रह, तू डंडा लेकर हम पे फैल पा रहा, हम आ रहे हैं। चल ठीक है, आ जाओ तुम। करी कैसे आओ? लेकिन मैंने तुझे बुलाया था, तू चार आदमी न लाई, तूने मुझे बताई, मैंने तुझे बात करने के लिए बुलाया। मैंने तुझे फोन करा, फोन करा मिंकी, मैं मम्मी से। तुमने तो हमें बहुत गलत बोलो, गलत बोलो ही ना है, बिल्कुल कुछ ना बोलो, गलत बोलो ही ना है तुमने तो। तू तो अच्छा बोल रही है, तूने जो भी करो ना वो अच्छा करो हमारे संग में। तुमने संदीप की शादी करवाई, तोड़ो मैंने ना तोड़ो, तू नहीं कही के मेरा आदमी बोल लो है के यहाँ रिश्ते नाते ना जोड़ने को, हमने नहीं तोड़ी, ये बात गलत है। परेशान करने लगो, बच्चा कहाँ चली जाओ, कहाँ चली जा, आप जैसा करो वैसा भर तो ले लो, इस हिसाब से पैसा जैसा करो वैसा भरेंगे तो चले जाऊंगा। अरे भाई ये पैसा देने ही ना हो गए, पैसा ही दुश्मन हो गए, पैसा मांगने पैसा मांगने बारे ना दुश्मन हो गए। चुपचाप चुपचाप में घर है हमारा, लड़की को घर है, हमें वहाँ हमारा घर है वहाँ, भाई हमने पैसा खर्चा करे हम चुप्पा में या कैसे ही भी आ में। वो गांव के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तू चली जा यहाँ से, मेरे बच्चे कहाँ चली जाएगी, अब तेरा कहीं रास्ता ना है, वहीं मर जा। हाँ मर जाएंगे, तेरे यहाँ भी ना आएंगे। अब तू आएगी कैसे, तूने तो रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। हाँ खत्म कर दिए, जब कुछ शर्म नहीं है का जहाँ हमने पैसे दिए वो बेटी के घर को संभाल कर रखे। अच्छा अच्छा, हमें तो शर्म ना है, हमें शर्म नहीं है क्योंकि हमने तेरो अच्छे हमें बुरे वक्त में या अच्छे में तेरो संग दियो, हमने यही शर्म ना है हमारे है? तरीका नहीं है पैसा मांगने को, हमें यही शर्म ना है, मतलब पैसा दिए वो शर्म ना है ना हमें। वाह 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 वाह, ताली मान बजाने, वाह बजाओ ना ताली। सुनो एक बात सुनो, जब तुम घर पर आए मैं तुम्हें कितना बिठाया था, मैंने कि घर में बैठ जाओ कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। अरे तुमने बैठाया मेरी लल्ली मोसा ना बोल रही, मुंह फेर कर बैठी तो किसके धोरे बैठती मैं ए? फिर मैंने दोबारा भी बुलाया था, मैंने कि चलो आ जाओ। तुमने बैठाया हो मैं मानूंगी, तुमने मुंह बैठाया हो, और ये क्या कह रही यहाँ से पूछो जरा। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें घर में बार बार कितनी बार बैठाया था, मैंने कि तुम बैठ जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें दोबारा भी मैंने बुलाया था। इसने यही ना कही कि तुम ऐसा कैसे आए, तो तुम्हें दबे पाँव आने की क्या जरूरत है, हमें बता नहीं सकते थे तुमने क्या देख लिया ऐसा कि हम अच्छे कर रहे हैं। ये तो हम सब फिर से बैठ रही जमाई नौ कह रहे हैं कि आ जाओ घर में बैठ जाओ हैं, और बेटी नौ कह रही है मुंह फेर कर बैठ रही, तो किसके धोरे बैठेंगे तुम बताओ। तो एक बात बताओ, तुम जब तुम दिल्ली आ रहे हो तो तुम हमें एक बात बता नहीं सकते कि भैया हम दिल्ली आ रहे हैं, मतलब हम बताते आएंगे है? मतलब इतने मतलब अरे कोई बड़ो सेठ रहे मैं ना उनके घर भी फोन करके ना जाया जावे, अपनो घर समझ के जावे, तुम हमारे यहाँ बगैर फोन करे आ जाइयो। तो तुम्हें नहीं था क्या तुम उनसे बखियाना में फोन करके? यहाँ क्यों बेइज्जती करी हमारी ये बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ तुमने सुना? अरे बेटी को तो दोनों तरफ को मरना चाहिए, मेरा आदमी से भी बनी रहे और मेरी पीहर की भी बनी रहे।
मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे को मारूंगा नहीं, मैं थोड़ा तंगी में चल रहा हूँ इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया करके, लेकिन तुमने तो मेरा मेरे को तो हम ये भी तो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये भी तो कही ही तो या को न कहने की का जरूरत ही, जा तू तू ऐसे और वैसे और मुँह फेर के बैठ के, मैं तो यार मैं यार युवा से आई कि मैं यहीं रहूंगी, लखन भी यही रहेगा, लखन गाड़ी चलाएगा, मैं कहीं घर काम करूंगी या कहीं काम ना मिले तो कर्जा वारे इनको कहीं से ना कहीं से पैसा तो करेंगे का ना। अरे मेरी माँ, मैं तुमने सुनी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमको कितनी बार बैठाया, मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, ईंट डाल ले रहा हूँ। अरे मैं बारिश में खड़ी खड़ी भीज रही है, अरे नोना कही अगर मुंह फूटे मैं नोना लिख रही है मम्मी तू क्यों भीज रही है, एक टाइम भी ना कही इसने, किसको ख्याल आएगा कैसी बेटी, क्यों कहना रही तुमसे, बिल्कुल भी बिल्कुल मेरी तबीयत भी खराब हो गई वहाँ भीज भीज के, और ज्यादा बोलने से मेरा दर्द भी उठे। हाँ तुम सामने वाले के घर में रुके ना एक रात? एक रात ना रुके, इसलिए हम कहीं रुके ही ना, कि जब अपने मुंह फेर लिया तो किसके यहाँ रुके हैं, इसलिए तो तुमने मैं क्या नाम कही ना, मैं तुम्हारे सामने वाले के यहाँ रुक के गई थी एक रात, और मेरे घर वाले ने मेरे गेट वो बताई मैंने कि मेरी बेटी ने मेरे से कमर फेर कर बैठ गई। हाँ, मतलब गेट मैं चाय ना पी रही तो वो सामने वाली आई कि भाई महिलाओं का चाय बना के, मैंने बोली ना मैं तो एकदम लड़ाई लेके मैंने तुझे रोको ना, तू कैसे मुंह फेर कर बैठ गई, मैंने तेरे संग का गद्दारी करी, गद्दारी तो तूने मेरे संग करी है, पहले आ भाई जब तक तू आई है ना ला भाई। हाँ तो माइया ना ला भाई तो माइया आ गई तो ब्रोह होगा का, मैं कह दू उनसे काम मत कभी मत झांकी, वो ऐसा कह रही है कि मेरे घर क्यों आई, वो बुरा हो गया, मैं उनसे कहूंगी कि आज के बाद कभी मत जाइयो, ठीक है? हमारे यहाँ कौन से आ रहे हैं रोज? कौन सा आ रहा है देखने के लिए? लाइफ सही इतना खराब। अरे तो मैं आ रही तो वो मेरे संग आ गई, क्या चलो भी मैं भी देखी आऊंगी कि कहाँ रहे मैं, मेरे संग ही आ सके, जो भी आएगा मेरे संग ही आएगा, अभी अभी किशन ने भी तुम्हारी जगह ना देखी है, वो भी आवे तो कहाँ आवे, पीछे कहाँ जावे, किशन को हमने फोन करो भाई बर्थडे आ जाइयो, ना आयो तो ना सही, लेकिन देख कर्जा मारे मुँह पे भी दबाव डाल रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ हम नहीं देंगे कर्जा, अगर इस हिसाब से बातचीत चलेगी तो कर्जा नहीं देंगे, और अगर तुम तसल्ली से मांगोगे साफ सीधे तो अगर बेटा कर्जा दे दो तो हम देंगे, कहाँ भी उनका कर्जा लिया है, और मैंने तुमसे का लठ मार के कही, मैंने ये भी तो कही कि भाई अगर कर्जा ना लेकर रो है कहीं काम धंधो ना तो या रूम में बेच दो और भाई पैसा वारे के पैसा लिखा दो भाई, 10-5 साल रुके हो ना वो, क्योंकि वहाँ पर जिनसे मैंने लिए 9-10 साल की कह के थोड़ी लिए है मैंने। हाँ मैं ना पैसा दूंगा ना देखूंगा और ना तो मैं यहाँ आने दूंगा दिल्ली में अपने घर को, जिस जिस जिसको फोन करो ना उसको बोलो के नौका भैया मेरे पैसा दिलवाओ, तो तुम ही इतने बलवान हो गए मतलब, तो टोना टोटका करके मरवा दे वो, तुम ही इतने धवल हो गए हैं जो तुम तुम्हारे संग कुछ बुरा करो तुम्हारे ले रखे है कभी का, जो तुम ना दोगे क्यों ना दोगे तुम? हाँ जी हाँ मेरा दबाव है तुम पे, तुमने मेरे लिए रखे थे 1.5 लाख रुपए इसलिए मैंने ले लिया, ऐसा कैसे तुम ले लोगे कर्जा रुपया दियो है, कोई मेरे घर के ना आए तो मैंने तुम्हें दे दिए दान में, दान में आ गए वो? हाँ ऐसा कैसे दान में आ जाएंगे, दान में यार लौंडिया ले जाओ नहीं अपनी है, लौंडिया कहा को ले जाऊँ, घर मेरो है वहाँ में रहेगी, तुम छोड़ कर चले जाओ, एक मिनट में रखू घर में अगर इस बात कर रहा तो। हाँ क्योंकि तुमने पैसा भरे ना है हमें, तुम्हारी कमाई के है तुम्हारी मेहनत के है वो, तुमने भरे हो ना, तुमने भरे ना पैसा? हाँ पैसा मैंने भरे तो मेरा ही हक बने वहाँ, तुम्हारी लड़की का रूम है ना तो मेरे से क्यों मांग रहे पैसा फिर, तो मांगेंगे ना जब लड़की को आदमी है तो आदमी से ना मांगेंगे किससे मांगेंगे, ये जाएगी कमाने को उल्टे ही मतलब, अभी तुम कह रहे हो कि लड़की है मेरी, अभी कह रहे हो लड़की मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा एक्सीडेंट हो गया 1 महीना नहीं हुआ था, तुम कह रही तुम्हारा आदमी एक्सीडेंट करके ऐसा ना भाई तुमने सुनी का मेरा कर्जा कैसे पटेगा तेरा आदमी, ये लक्ष्मी को फोन दे जरा, लक्ष्मी बात करिए, लक्ष्मी
तो सु कही ही मैं ना उल्टे मैं रो रही कहनो का इनको एक्सीडेंट होगा बुरा होगा ये कितनी मैं रो रही बैठ के मर जाता ना जब सही रहता तुम्हारे लिए आ? तो सु मैंने कही ही ये बात अगर मैं मर जाता क्या कैसे ना रही तू कैसे चुप बैठी है ना सही है तरीका सही नहीं है अब तो कोकू बेटा तरीका बिल्कुल सही ना लग रहा जब माँ पैसा लेके आ रही है तू दस फोन कर रही मम्मी कहाँ है मेरे खातिर आ जा तब तो टोकू मैं अच्छी लग रही अब मैं लग रही हूँ तो दुश्मन इनसे यही कह रही होगा अब भी हम अब भी नौकरी है काम देंगे हाँ तो हम ना अभी ना मांग रहे हम तू कब दे रही है पैसा कब भेज रही है बता दे बस जल्दी मांगेंगे अकाउंट नंबर दे दो अपना अभी भेज रहा हूँ हाँ तो भेजते हो ना अकाउंट नंबर दे रही हूँ दे रहा हूँ पैसा दो नंबर पे गूगल कर लो अल्लाह मत करो ऐसी खेलो आराम से हेलो ये भाई गांव में फोन मत करो परेशान मत करो करते रहो मेरे ना उस पर हमारा अपना मत लो कर रहे हो करते रहो ना कर रहे मत करो मचा रहे हो आ रहे हो हमें मेरी बात और जब मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ कर्ज वाले मुँह परेशान कर रहे हैं मैं क्या करूँ बता तो तुम बेइज्जती करते रहो मेरी हमारे हमें पर बेइज्जती को अब बेइज्जती कर लो पैसा ना भूल जाओ ठीक है ऐसे कैसे पैसा ना भूल जाएंगे कर्जा दियो है और बेइज्जती करने में तुमने कम भी ना करी है मेरी तुमने का कम करी है तुमने तो सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो जो तुमने कही है जो जो रिकॉर्डिंग है थाने में दे दो और मेरे कंप्लेंट करवा दो बंद करवा दो ठीक है नौकरी से गाली बगी है हमसे इसने और ऐसे ऐसे के बाद हमारा पैसा और हमको ही मियाँ कर रही है कौन सा ईमानदारी है कौन सा अन्याय और हमें नौकरी अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नाम होता तगड़ा और मैं इन्हें मार दूंगा भाई मेरा तो वैसे ही एक्सीडेंट है और उसका पहले ही टूटा पड़ा हूँ मैं तो तुम मार मर जाऊंगा वैसे ही लक्ष्मी को फोन दो लक्ष्मी के चक्कर में हुआ लक्ष्मी चली जा तू अपने घर ही चली जा यहाँ से तो हेलो हाँ बोल तू एक बात बता तू ही अगर मो कर्जा दे देती कई पैसे देवा के और तेरे को वो बेइज्जती कर तो तू मुझसे ना कहती कहते भाई मैं तो मैं ना अभी ना है मैं जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश कर रहे हैं देने की सब दे रही है अब ऐसे गांव में फोन करो और दोबारा संदीप को भी बताओ रंजीत को भी बताओ ताई को बताओ ताऊ को बताओ हमारे को जिस जिसको फोन मेरे को ना जानता हो ना वो उसको बताओ क्या हमारे पैसे मार रखे हैं इन्होंने और वो आगे लट्ठी लेके तो ना पतोई का तुम ऐसे करोगे नहीं तो देते ही खाए को कर्जा लेके हम कर हमें का खुशी लग रही कि हम कर्जा में बिंद जाए ये हमारी लल्लो है ना हराम खोर ये है जो भी कुछ है इन्हें करवाओ हमारे संग हम तो यही बोलेंगे इन नहीं करवाओ जो भी करवाओ कोसो और जब मर जाएगी ना तो तुम्हें फायदा हो जाएगा इस चीज का कोसो इसे खूब या जो औलाद है कोसो या लोंडा कोसो या लोनियन का आदमी है कोसो ठीक है कहाँ गई है यही फसी से करवाने के ताई तूने कर्जा दिवाया हो कि ये आदमी कमा रहे हो और मैं दूंगी जब तो छाती में हाथ ठोक के कह रही है आज तू कैसा मुख गलत बोल रही है कैसे शर्म बेशरम कह रही है तू दुनिया में फोन क्यों कर रहे हो तुमने करे दुनिया में फोन करके हमने ना करे हम ना अभी तो किसी से कह के ना जाना वो लोग बोल रहे सब लोग बोल रहे कि ये गिफ्ट में दियो हम तो हमने बोली कि गिफ्ट में ना दियो हमने कर्जा दियो अब बोलो आगे ना कह रही है गिफ्ट दियो हमें ना कह रही
तो कह रहे हैं वो सब रे कह रहे हैं और एक ना सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ गिफ्ट दिया भी कह रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग कर ली और फिर दोबारा कह रहा हूँ गिफ्ट दिया है हमें हमारी शादी की जो दहेज में मिला था ना उसको। शादी को शादी में तुमने कितना चढ़ाया वो बताओ, शादी में जितना मतलब संदीप लाया जितना संदीप लाया हो ना उतना तुम मेरी लड़की खुद दो बना कर, चलो ठीक है हम देंगे। जो दहेज जो तुमने 11 जो चीज दी है ना हमने वो भी देख खाई, जो तुम्हारे हमारे लक्ष्मी को जो मंगल जो लक्ष्मी को दियो है ना लक्ष्मी को भी दियो है, और अभी 2 साल पहले सोने की चीन और 14,500 की टीवी दी है। यही बात मुझे उस दिन अगर मैं टीवी तुम्हारे सर में मार देता ना उठा के सही रहता ये बात। मेरे सर में मार दियो ना। हाँ ये संदीप ने जो तुम्हारे यहाँ जो दहेज फेंक का आया हो ना ये सही यही चीज वो कुछ फेंक के ना आओ, जब रूम उन्होंने वहाँ से बदली करो वो दूसरी जगह रहे है भड़ाला में वो वही डर गए जब उनकी माँ मर गई तो कुछ ना फेंकते गए वो ले गए अपना सब ले गए। इसलिए वो फेंक दे या ना फेंक दे लेकिन इतना धोखा भी ना करो उन हमारे संग। मैंने तो कर दिया भाई धोखो मुझ पे ना वो करवा दो टोना टोट कंधे करवा के और मुझे भरवा दो ठीक है। अब ये कहाँ चली गई ये भी मरी अब ना कह रहेगी यू क्या कह रहा है यू। हाँ अब ना बोल रही सांपन टीवी पे मार रहे हो बहुत के बोल भी तू कह रही जा तिगड़ी मामा सु कह रही है ना यू फलाने सु कह रही है ना यू अरे तो को बड़ी अच्छू लग रही है ना तिगड़ी यू वे तू थोड़ा मत बोल बच्चे तू छोटा है तेरी मम्मी बोल बात करेगी हमसे। हाँ तो तुमने कैसे कही हमारी माँ को के टीवी फेंक के मारोगे सर में तो कैसे कही तुमने बात बता तो बालक समझ रहा है क्या बच्चे बहुत सुन रही तुम्हारी सुन रही है थूक रही है जन्म में ज्यादा बोल रहे हो टीवी फेंक के मारोगे फरिया उठा के ले जाओ बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो दिमाग खराब हो गई ना तो क्या करेगा गाली बकेगा गाली बकले मार तो तू सकता नहीं क्यों ना मार सके कुछ भी कर सके हैं गाली बक सकता तो हां इतने हथियार की ना रुक रुक का अरे आवाज लक्ष्मी को फोन दे लक्ष्मी यहां दुनिया सुन रही है और हमारे घर में तुम्हारे आ रहे हैं तू इतनी तू सीखी बन गई है ना मेरा कर्जा भिजवा हम नहीं देंगे जो करना कर लो क्यों नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे हम क्यों गाली बकले क्यों नहीं दोगे ये बताओ पहले गाली क्यों ना देगो दहेज अगर दहेज में काटोगे तो दहेज तो हम तुमको देंगे ना और दहेज तुमको अगर चाहिए हो तो शादी से पहले बोलनी चाहिए ही दहेज मांगेगा सुन आज पैसा फंस गया तो दहेज शादी से पहले बोलनी चाहिए ही और तुम्हारी सुन तुम्हारी बहनन ने हाथ जोड़े तुम्हारी बहनन ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि हमारे भाई की हो जान दो रिश्तेदारी काई को तोड़ रहे हो हमने तो मना कर दिया पूछ लो तुम्हारे पूरे गाँव को मालूम ही कि ये भागी हुई है। हाँ तो भागी हुई तो तुम्हारी बहनन ने क्यों करन दी तो तुमने जब सुकाय को लेकर गए तुम्हारी बहन तुम्हारी रोक लई ना हमने तो रोक लई ना तो तुम क्यों वासी में भी हमने तो रोक लई ना तुम क्यों आए फिर पीछे पीछे अपनी माई को लेके क्यों आए तुम अब इसे ले जाओ यहाँ से मुझे चाहिए नहीं है क्यों नहीं चाहिए अब तुमको रखनी पड़ेगी तुम लेके गए ग्यारह साल बाद दहेज मांग रहे हैं ये कौन सा न्याय है मार दो काट दो कुछ भी कर दो अब आऊँ हमारी भी बहन ना आऊ गलत कर रही है वो गलत कर रही है वादिन भी माँ आपको बोली कि चल रही है चल साथ में ना चल रही तो मर यही। हाँ तो फिर मरेगी यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है और रोज कुट्टी रह मर देगा ऐसा कोई मर्द हो गया बंद कर दे लक्ष्मी सो क्यों हाथ जोड़ रहे हैं लेकर गए ऐसा मर्द हो गया कि औरत को मार है ये मर्द ना है औरत पे हाथ छोड़ने वाला मर्द ना है छक्का हो गया छक्का बाप माँ बाप की दौड़ पकड़ है मेरे को ध्यान रखिएगा बात की वहाँ भी रिकॉर्डिंग चालू है और यहाँ भी रिकॉर्डिंग चालू है कर लो
अरे औरत का हाथ छोड़ने वाले कोई आदमी हो मैं का? अरे मर्द से कहीं से भिड़ो ना, कोई मर्द ना मिलो तो मैं औरत ही मिलूंगी मेरी लुगाई तुम। अरे बोलना की तमीज सीख लो, मेरी लुगाई या तेरी लुगाई, तुम्हारे गांव में ऐसे ही बोला? हमारे गांव में ऐसे ही बोला। हाँ तो ऐसे ही बोला है तुम्हारी, जब हमने रोक ली ये वासी में तो तुम काय को आए, तुम क्यों हाथ मट्ठा चोर कर लेकर गए लक्ष्मी के, तुमने काय को लेकर गए जब ऐसी जब लक्ष्मी खराब ही तो तुम लेके कैसे गए? हाँ जब तो चप्पल मार दी तुमने सर में मेरे, काय को लेकर गए जब लक्ष्मी खराब ही तो क्यों लेकर गए? क्यों लेकर गए ये बात तो फैसला करना है। और 11 साल बाद दहेज कोई ना मांगे, पहले दहेज मांगते पहले हम ना करते, दहेज की हमारी गुंजाइश नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ शादी ना करते, तुम्हें मांगना तो पहले मांगते, तुम कैसे तुम दहेज मांग सकते हो? 11 साल पहले कोई दहेज मांगते तो हम करते ना करते, अरे तुमसे भी अच्छे अच्छे ढूंढ लगाते, तुम्हारी बहन ही जो उनकी शर्म मार गई जो कर दी, हम कहा जाने तुम्हें, हम तो तुम्हें जाने भी ना है। सादा ने बोली कह मौसी हो जान दो ऐसे ऐसे बात है, काय के लिए तुम रिश्ता तोड़ रहे हो? संदीप ने मने भी करी के मत करो रिश्तो। हाँ तो फिर अब ले लो शारदा पे पैसा। शारदा क्यों देगी, शारदा ने लियो है का? जैसे तुम लेकर बैठे हो जैसे तुमने लियो ऐसे दो ना। मैं ना दूंगा। हाँ तो घर छोड़ दो फिर, घर कोई ले भी ना सका आके दे। अरे कैसे ना ले सके, हमने वहाँ पैसा खर्चा करो, हमारा पूरा अधिकार है वहाँ, कैसे ना ले सके? ताला चाबी मार के, ताला चाबी मार वादना तो बड़े खरे बनने में, खाली कर दो माइना, खाली कर दो कर रहे वादना तो बड़े ये तीखे बन रहे। अब सीखो तुमने मेरे घर की आके चाय भी फेंक दी, मेरा घर इतना बुरा नहीं है। अरे जब इतना भोको कर सके तो चाय में जहर मार देंगे, अच्छा पैसा मर जाएंगे तो यार लल्लो को का भरोसा, जब इतना कर सका है तो ये मेरे संग। हाँ तुम्हें लग रहा है तो जहर मिला देंगे हम, है ना? तो यही ठीक है फिर। मुझे लड़की जब इतना मेरे साथ धोखा कर सके तो मेरी अब तो आँख खुलेंगी, आप कुछ कर दियो मोए का 1.5 लाख रुपया मानने के लिए, तो का भरोसा इसको? हाँ जहर मिला दे का तुम्हारे इतने वो है बुजदिल के जहर मिलाएंगे तुम्हारे खाने में और जब मारेंगे तुम्हें को कोई भरोसा भी ना, जब तुम इतने ये कर रहे हो, इतने निर्दयी बन रहे हो कर्जा लेकर, और तुम आज हमारे छाती पर ठोक दिया तुमने, तो तुम्हें ऐसा करने में का डर लगा हो? तो ऐसा ही समझ लो भैया, मैं कर्जा दूंगा नहीं, तुम 1.5 लाख तक सुन लो, ओए लक्ष्मी लल्लो बोल क्यों ना रही अब तू, ज्यादा तू बन रही ना बोल रही, तू ज्यादा क्यों ना बोल रही तू? जब आपकी जब देखेंगे अब काट देने, जब तुमने चप्पल मारी मेरे ऐसे मारूंगा तुम्हारे, मैं इतना वो ना हूँ वो पत्ता भी। अभी तो तुम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा टीवी मारने वाला हूँ, मैं मार दे तो अच्छो रहे तो। हाँ, मार दे मेरे सर में ऐसे ही ना है, है ना? मैंने कोई चप्पल ओपन ना मानी मारी, समझ गए? और तुम मेरे बेटा लगो, बेटी देखा बेटा लियो, और बेटा अगर गलती करेगा तो मैं धमका सकती है, कुछ भी कर सकती है। चप्पल मारोगी तो सर बेटा के है, तुम मेरे हाथ में टीवी मारोगे, तुम मेरे हाथ पैर काटोगे? वो अभी भी जिंदी है, वो मरी ना है जो जिसके सामने तुमने चप्पल उठाई। हाँ हाँ बुला ला हुआ हिमाचल न जाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरह ले लेते जो भी कुछ लेना, उससे ही कहते सुनते हैं, फिर हमारे द्वारा जानो आनो ये सब क्यों? 11 साल पहले जब लड़की रोक लई और तुम्हें मालूम ही कि लड़की खराब है तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था, वो छोड़ देनी चाहिए ही तुम्हें। लड़की हुई थी नवाना दुवाना छोड़ दी हो तुमने, चार बच्चे पैदा करके आप छोड़ोगे तो आप गलत बात है। 11 साल पहले तुम्हें छोड़नी चाहिए, शादी के बाद छोड़ देते तुम, मैं तो लिया ही ना, तुम क्यों आए लेने को? तुम्हारी अपने बच्चे ना अपने पास रख ले रहा हूँ। बच्चे तुम्हारे बच्चे और ना, ये लक्ष्मी के बच्चे नहीं है? तुम कह रही हो ना कि चार बच्चे ने पैदा करके, चार बच्चे पैदा करके और 11 साल बाद ना बोल रहे हो तुम, कहने का मतलब आप छोड़ दो? 11 साल पहले तुम्हें दहेज मांगना चाहिए, अगर चारण में कोई पंच नौ कह दे 11 साल बाद कोई दहेज मांगेगा तो जब मेरे चप्पल मारियो लेकर के, तो जब तुम मेरे यहाँ पर आई थी तो तुम, मैंने तुम्हें बुलाया था, मेरी मम्मी आ जाओ यहाँ पे देख जाओ। हाँ तो मैं बैठी भी, लेकिन इसने कुछ ऐसी बात बोली मोकू का, मेरे बैठने को बर्दाश्त ना हुई फिर।
जब माई आई जब ये रोने में लग रही जब तुम माई ने इशारा करो जब जाकर तुमने भी लगाई गए थे लेकिन इतने भी खट्टे ना आए हम तो तुम्हें जहर मिला के दे देंगे। ये रो रही वो मेरी मतलब लड़की है ना तो तुम क्यों हिमात ले रहे हैं कहीं रो रही यार गले ना लगाई वो मेरी मर्जी है इन्ना मेरे शंका करो का ना करो मैं जानू ना अब मेरे घर में है के ठीक है ये लड़की जवान थी तुम्हारी जबकि कुंवारी थी तो जब लड़की ही तो अब तुम्हारी ये बहू है ठीक है अब ये तुम्हारी लुगाई है अब ये तुम्हारी कुछ भी है लेकिन 11 साल बाद दहेज ना मिलेगा। मैंने तो ले लिया भाई ऐसा कैसे ले लोगे हम आएंगे और हमारे हाथ पैर काट दीजो तुम आ जाओ फिर हाँ वही घर में सामान रखेंगे आके हम देखें कैसे तुम हाथ पैर काटोगे हमारे आ जाओ रख लो सामान रख लो अपने चप्पल जूता हमारे सर पर रख लो और क्या कर सके इससे ज्यादा वही रंगे हम यहाँ हमारो दिनों दुश्वार हो रहा है सब लोगों को मालूम है सारी दुनिया सुन रही है यहाँ स्पीकर पर फोन है पूरे पब्लिक सुन रही है यहाँ हाँ तुम वहाँ खड़े हो ना दादर स्टेशन पे जो दादर स्टेशन पे ना यहाँ का चाली ना आए सुनने वाले का कह रहे हैं कि इतनी खराब बेटी है तुम्हारी क्या 1.5 लाख में फंसवा कर आज तुम्हारे को ऐसा कह रही है यू अब यार बेटी को और यार दामाद को ना जहर दे दो जहर तो तुमने दियो है मोगू मैंने ना दियो जहर तुमने मेरे अंदर घोरो है तो मुझे कर्जा में कौन फंसा के और अब तुम ऐसा कह रहे हो मुझे मालूम नहीं लक्ष्मी मेरे साथ इतना बुरा भी कर सके मोगू पता नहीं और टोना टोटका करके मरवा दो मुझे लक्ष्मी इतना बुरा कर सका ये मैंने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं मैं यही की तरफ को मरती चली गई कह रहे थे कि मम्मी के पैसे लेकिन हम ले जा रहे हैं तो कह रही ना ये बात तो तुमने बोली क्या ना है ऐसे ना है वैसे ना है अरे मैं तो पैसन की कहने को बोले ही फोन करे ही तो पैसन की बोले ही ना हम दो साल से झलसा देखी चली आई हाँ मम्मी अभी भिजवाऊंगी हाँ मम्मी अभी भिजवाऊंगी हाँ मम्मी 2 महीना रुक जा अभी भिजवाऊंगी ऐसे क्यों ये झूठ बोल रही मौसा क्यों मेरा ये क्यों इन्हें मेरे अंदर जहर घोरो ऐसा माँ पैसा लूट का पैसा बैठ जावे यहाँ पे मेहनत ना करी जावे कमाया ना जावे यहाँ पे लंगड़ी लूली है यहाँ के आदमी का हाथ पैर ना कट गए एक्सीडेंट हुआ था उसमें हाथ पैर कट गया आदमी अरे औरत तो आदमी से आगे निकल रही है कमाने खाने में इतनी कोई ना बैठी रहे जैसा तू 8 बजे सो के उठे यहाँ भी कट गया हाथ पैर ये कहीं काम ना कर सका हमारा नहीं बाग में और लुगाई काम ना कर रही औरत काम ना कर रही तो पतंग हो दिन तोड़ोगे पतंग या कोई दे दो फोन के क्या कह रहा है या के भी हाथ पर कट गए और हमारे भी हाथ पर कट गए हाँ कट गए तो बैठे रहे लूले बन कर जाओ हेलो हेलो हाँ हाँ बोल और कुछ गाली देनी है का और गाली देने को फोन करो तो बता दे लड़ाई कर ले पाओगे अभी क्यों लड़ाई कर रहे हो मैं ना कर रही भाई मैं तो पैसा मांग रही हूँ बुरी तो तुम्हें लग रही है मैं कहीं लड़ाई करूंगी मैं तो मेरे पैसा मांग रही हूँ भाई मैं तो तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ मट्ठा टेक रही हूँ मैं आज भी कह रही मैं तो अरे माई के सामने भी कह रही तू कहती तो मैं तेरे पामन में गिर जाती हम नहीं रंगे कैसे ये बात मगर हम नहीं रंगे ना दोगे ना ठीक है हम निकलवा लेंगे बेइज्जती कर रहे हैं और जब तुम नो कहते डोल लो कर्जा पैसा लिया तुम सब रे मखे नाम नो कह रहे हो अरे मेरे ससुराल वाले ने तो गिफ्ट में पैसा दिए हो का झूठ बोल रहे हैं मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगी उन्हें जो कह रहे हाँ तो तुमने कही जब ही कह रहे हैं ना तो तुमने क्यों कही ऐसा मैंने तुम्हें बार बार कही कि किसी को बोलियो मत ना किसी को बोलियो मत ना तुमने सगरे में दावा कर दियो मैंने किसी को नहीं बोली ठीक है अब आपने बोली हमने जब वो गाड़ी गाड़ी नो कह रहे हैं तुमने गिफ्ट में दियो मौसी तुमने गिफ्ट में दियो मौसी भाई मैंने कर्जा दियो हो गिफ्ट में कुछ नहीं दिया लखन को कहो नो कह के गाली बकेगा खूब सारी तुम मेरे माथे में टीवी मार सकते हो मैं सही दे रहा था तुम्हें टीवी उस समय उतार के मैंने सही कर दिया था मेरे माथे में मारना मैं आऊंगी मेरे माथे में मारना मेरा मारना चप्पल मारना तुम और मैं आके भी पैर पकड़ लूंगी यू भी मारेगी राण जैसे तुम